प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम अंबेडकर चौक पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद और प्रधानमंत्री जन प्रचार प्रसार अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन के द्वारा किया गया। इस दौरान बतौर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार ध्वजारोहण किया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन ने जनपदवासियों सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, गुलामी को सह सह के एकदम बुद्धिहीन हो चुकी है और उसमें हमारे सारे शहीदों ने आज़ादी दिलाई। तो ये आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमको पता नहीं सकते। आज ये देश जो सशक्त हुआ है जस्ट बिकॉज हम लोग अपनी गुलामी से बाहर आए, ये अपनी आइडेंटिटी बना पाया, आज ये भारत कहलाता है, आज ये हिंदुस्तान कहलाता है। और उसके बाद 370 धारा 35A आज अखंड भारत की आज़ादी, आज आप महसूस कर रहे होंगे एक अलग ऊर्जा है पूरे धरती पर, पूरे वातावरण। तो ये जो मेहनत हुआ, मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साहसी गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा उपकार किया। जो जो वादा किया आपके मैनिफेस्टो में था, ये सरकार वो पूरे वादों को पूरा कर रही है। और इस सत्य की सरकार है, ऑनेस्टी के साथ सरकार चल रही है। और इसकी सरकार का एक ही लक्ष्य है, धरती माँ की पूजा करना, अपने राष्ट्रहित की प्रेम में रहना, अपने देश को प्रेम करना, स्वार्थ के प्रेम को त्याग करना।